आपके साथ। चेन्नई के मरीना बीच पर रविवार को वायुसेना के एयर शो के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में इन मौतों को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि 15 लाख लोगों की भीड़ थी, गर्मी ज्यादा थी इसलिए 5 लोगों की मौत हुई। एयरफोर्स ने जितनी फैसिलिटी मांगी उससे ज्यादा मुहैया कराई गई थी। सुब्रमण्यम ने कहा कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टरों और नर्सों के साथ 2 मेडिकल टीमें तैनात थी, साथ ही 40 एम्बुलेंस भी खड़ी थी। उन्होंने ये भी कहा कि मरीना बीच पर पैरामेडिकल टीमों और पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई थी। अस्पताल में जाने से पहले ही सभी मौतें हुई हैं। AIADMK नेता कोवई सत्यन ने कहा अगर स्वास्थ्य मंत्री में थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लोगों को 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। प्रशासन CM स्टालिन उनके बेटे और परिवार की सेवा में लगा हुआ था, वे AC के टेंट में बैठे हुए थे। सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस से पहले 6 अक्टूबर को चेन्नई में एयर शो हुआ था। इसे देखने के लिए मरीना बीच पर 15 लोग जमा हुए थे। भारी भीड़ और गर्मी के चलते 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा लोग बेहोश हो गए। एयर शो का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर शो देखने गए लोगों ने बताया कि बीच पर पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, लोग घंटों तक प्यासे बैठे रहे। वहीं 1 बजे शो खत्म होने के बाद एक साथ लोग वहां से निकले जिसके चलते रास्तों पर ट्रैफिक जाम हो गया। भारी भीड़ के चलते एक लोकल रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर भी ऐसी ही भीड़ देखने को मिली। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़।